हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पहाड़ों में आ चुकी है बढ़िया धूप और हो चुकी है सुबह। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं भी जस्ट अभी उठ रहा हूँ। उठ तो पहले गया था, आप लोगों के लिए वीडियो अपलोडिंग कर रहा था, तो मैं भी बाहर आ चुका हूँ। पहले आपको शानदार नज़ारे दिखाता हूँ। बढ़िया धूप आई हुई है सभी जगह, बढ़िया धूप, बढ़िया क्लीन व्यू देखने को मिल रहा है। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही आने वाले लेटेस्ट ब्लॉग के लिए। इस चैनल पर आपको पहाड़ों से रिलेटिव डेली ब्लॉग देखने को मिलते हैं। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, मैं भी हाथ मुंह धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, तो उसके बाद अपना दिन स्टार्ट करेंगे। बहुत कुछ होने वाला है दिन में, तो सबसे पहले आपको बेहतरीन नज़ारे दिखाता हूँ। देखिए बढ़िया धूप मेरे पीछे जंगलों में आपको दिख रही होगी, काफ़ी बढ़िया धूप आ चुकी है। मैं नज़ारे दिखाता हूँ सबसे पहले, तो चलिए नज़ारे देखते हैं फिर अपना दिन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सीन ऐसा है, अभी लगभग 8 बज चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुका हूं और मैं निकलने लगा हूं अभी कसैलिंग मार्केट को। साथ में दूध की बाल्टी भी ले जा रहा हूं, दूध भी देना है डेयरी पे। और उसके बाद दिन भर आपको पहाड़ों से खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगा और दिन भर आपको दिखाऊंगा हमारा किस प्रकार हम काम करते हैं पहाड़ों में और क्या हम दिन भर हमारा काम रहता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। तो चलते हैं, अभी कसैली मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा आगे पहुँचता हूँ गांव पे, तो वहाँ से शानदार नज़ारे आपको दिखाता हूँ सुबह के टाइम में, क्योंकि सुबह के टाइम में काफ़ी बेहतरीन नज़ारे, काफ़ी शांति भरा माहौल और फिर सुकूनदायक मौसम मिलता है और काफ़ी सुकून मिलता है। यह मेरी दूध की बाल्टी जिसे मैं लेके जा रहा हूँ डेयरी पे, और चलते हैं, ये हमारे घर से रास्ता पैदल वाला, तो पहुँच जाते हैं और आगे से चल के मैं आपको व्यू दिखाऊँगा। तो मैं पहुँच चुका हूँ अपनी भालूगाड़ वाटरफॉल रोड पर, यहाँ से हमारा रोड शुरू हो जाती है और नज़ारे देखिए यहाँ से। दोस्तों कसैलेक से निकलने के बाद, सभी काम निपटाने के बाद मैं आ चुका हूँ चखुटा पे, और चखुटा से आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ सुबह के टाइम में। बढ़िया धूप खिली हुई है, नज़ारे काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं देखिए। और साइड पे भी चला हुआ है रिटेनिंग वॉल का कार्य, जो जल्दी से जल्दी हमने कंप्लीट करना है। व्यू काफ़ी मस्त आ रहा है पहाड़ों से, व्यू काफ़ी शानदार, काफ़ी लाजवाब आता है अगर धूप बढ़िया खिली रहे। दूर दूर तक आपको क्लियरिटी नज़र आएगी। आई होप आप लोगों को व्यू अच्छा लगा होगा। मेरे पीछे भी देखिए क्या मस्त वादियाँ आ रही हैं, बढ़िया ग्रीनरी, एकदम जंगल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर काम चला हुआ है, देखते हैं लंच तक कितना काम होता है, अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो आज यहाँ पर काम हो रहा है। तो चला ही हुआ है, काफ़ी बढ़िया मौसम भी हो रहा है काम करने के लिए। ऐसा ही अगर मौसम देखने को मिले तो काम जल्दी से जल्दी खींचने की संभावना है, जल्दी से जल्दी काम होगा। दोस्तों मैं आपको लिए चलता हूँ रिटेनिंग वॉल के पास में, जहाँ पर रिटेनिंग वॉल की चिनाई हो रही है, और लगभग इतनी रिटेनिंग वॉल अभी तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारा एरिया हमने कवर कर लिया और ऊपर मिट्टी खिसकने का भाई लगभग खत्म हो चुका है। और रिटेनिंग वॉल सामने देखिए आप लोगों को कैसी लग रही है और काम कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और आपने काम देखा कि काम किस प्रकार यहाँ पर हो रहा है, और देखते हैं कितने दिन यहाँ पर और लग पाते हैं रिटेनिंग वॉल की चिनाई में, क्योंकि ऊपर ऊपरी तक जो उसका पूरा लेवल है ऊपरी तक उसकी चिनाई होगी। तो काम चला हुआ है, नज़ारे भी काफ़ी शानदार आ रहे हैं। अभी दोपहर के समय में किस प्रकार का व्यू यहाँ से आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर लगभग आधा घंटा और यहाँ पर रुकता हूँ, फिर चलूँगा घर की तरफ लंच करने के लिए। तो अभी नज़ारे दिखाता हूँ, काफ़ी बेहतरीन नज़ारे आ रहे हैं। और वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल सपोर्ट जरूर करिएगा।
दोस्तों नज़ारे हो गए, काम आप लोगों ने देख लिया। तो मैं अभी जा रहा हूँ घर की तरफ को, लंच करते हैं। दोपहर का लगभग 1 बजने वाला है, 15-20 मिनट मेरे को पैदल वॉक में लगेगा घर पहुँचने में। तो घर पहुँचते हैं, लंच करते हैं, साथ में अमित भाई के लिए भी लाना है मैंने यहाँ पे, तो पहुँच जाते हैं घर पे। तो दोस्तों फाइनली घर पे पहुँच जाता हूँ, ये घर वाले रास्ते में हूँ अभी, और सामने ही मेरा घर है। और घर के ऊपर देखिए मस्त जंगल, हम एकदम जंगल के वहाँ पर रहते हैं, देखिए पूरा जंगली एरिया है ऊपर। और यहाँ पर 5-7 घर, गांव में सबसे ऊंची जगह पर रहते हैं हम लोग। और नज़ारे भी काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं अभी दोपहर के समय में। ये वाला बादल देखिए क्या मस्त दिख रहा है अभी। मैं दिल्ली में 2 साल रहा दोस्तों, पर दिल्ली दिल्ली है, पहाड़ पहाड़ होते हैं। पहाड़ों का जो मौसम है, पहाड़ों की जो रौनकें हैं, अभी देखिए कितनी शांति छाई हुई है पहाड़ों पर। ऐसी शांति सिर्फ पहाड़ों में देखने को मिलती है, शहर में वो मज़ा आया नहीं। जहाँ देखो वहाँ आपको बिल्डिंग ही नज़र आती हैं शहरों पे, और यहाँ जहाँ देखो आपको खुली वादियाँ, खुला व्यू, ठंडी हवा, काफ़ी बेहतरीन नज़ारे। अभी तो चलते हैं घर की तरफ पे और घर पहुँच ही जाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों घर पे पहुंच चुका हूं और अभी लंच कर रहा हूं, पत्ता गोभी की सब्ज़ी के साथ चावल खा रहा हूं। लंच करता हूं और आप लोग तब तक मौसम एंजॉय कीजिए, सामने खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं। तो दोस्तों लंच करके फाइनली फिर से मैं आ चुका हूं घर से, और साथ में अमित भाई के लिए भी खाना लाया हूं। तो पहुंच जाता हूं कसले मार्केट के पास में, पहुँच गया हूँ। तो पहुँच जाता हूँ कसले मार्केट में, उसके बाद थोड़ा सा और चलना पड़ेगा तो पहुंच जाऊंगा चखुटा पे। सामने आप जो मार्केट देख रहे हैं, मकान देख रहे हैं, यह है कसले मार्केट। और यहाँ से मुझे जाना है, यहाँ पे मार कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे जाना है। तो पहुंच जाता हूँ, और जो सामने व्यू आ रहा है, जो कैंप साइट है, ये तो भालूगढ़ वाटरफॉल रोड पे है। और उसके ऊपर जो और पहाड़ देख रहे हैं वो है धानाचुली एरिया। काफ़ी शानदार बढ़िया व्यूज़ आ रहे हैं अभी। दोस्तों अभी वक्त हो रहा है दोपहर के 3 बजे, और रिटेनिंग वॉल चिनाई का कार्य यहाँ पर जारी है। देखते हैं और कितना दिन लगते हैं इस पर। लगभग आधा हो चुका है रिटेनिंग वॉल, जो ऊपर का आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ तक रिटेनिंग वॉल कंप्लीट करनी है। और नज़ारे देखिए, काफ़ी शानदार नज़ारे आ रहे हैं। बैकग्राउंड में चिड़ियों की आवाज़ देखिए, काफ़ी शांति छाई हुई है। और मौसम काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है अभी। कार्य भी लगभग जारी ही है, 2 घंटे और हैं, और देखते हैं कितना काम और अभी यहाँ पर हो पाता है। कल इस पर हमने DPC करी हुई थी रिटेनिंग वॉल पे, उसी के ऊपर आज चिनाई हो रही है। ब्लॉग नहीं दिखा तो ब्लॉग ज़रूर देखें आई बटन पे। दोस्तों शाम का वक्त है और सामने खूबसूरत सनसेट हो रहा है अभी, और काफ़ी शानदार व्यूज आ रहे हैं अभी शाम के समय में। तो अभी आप लोग शानदार नज़ारों को एंजॉय कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर शेयर करेगा। तो आप लोग एंजॉय कीजिए इन नज़ारों को। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।